जय श्री कृष्ण। हेलो, गुजरात में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हिना उजा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट। और आज हम टैरोट कार्ड के ऊपर से मेष से मीन राशि का वीकली प्रिडिक्शन दिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है, मेष राशियों के लिए ये वीक कैसा है। मेष राशियों के लिए ये वीक अच्छा है, थोड़ा आलसपन छोड़ दीजिए। आलस छोड़ने से क्या होगा, आप इतने काफी काबिलियत हो, कॉन्फिडेंस हो, सब काम में माहिर हो, लेकिन आप थोड़ी आलस आ जाती है। थोड़ा पैसा आ गया तो बस अभी आगे कुछ काम नहीं करना है, तो ये छोड़ दीजिए। आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो। कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रही है बच्चों के लिए, तो ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा है। खाली एक छोटी सी रेमेडी आपको क्या करना है कि घर की दहलीज के ऊपर एक कपूर और एक लौंग मिट्टी के दिए में जलाना है, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। लकी नंबर रहेगा आपका एक नंबर और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो ये वीक के लिए वृषभ राशि क्या कहती है, वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा यानी मध्यम गिना गया है। अपने आप को स्टेबल करना है लाइफ के अंदर। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन आपको स्टेबल करना है अपनी लाइफ को, सबके सामना करना है और आगे बढ़ना है। और आप कुछ एक घर तो है और कुछ नया घर लेने के लिए सोच रहे हो, तो नया घर हो रहा है आपका। और 3 महीने से आप काफ़ी परेशान हो, अभी आपकी दिक्कत ख़त्म होने को आ रही है। अभी 2 महीने बाकी है, तो उसमें से आप डिप्रेशन में से बाहर निकल जाएंगे। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और 7 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए ये भी क्या है, कैसा है मिथुन राशियों के लिए। मिथुन राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मून शाइन दिखा रहे थे, थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा शांत रहना है ये वीक। ज़्यादा कुछ नया आप पार्टनरशिप सोच रहे हो तो पार्टनरशिप करने में थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करें तो ही अच्छा रहेगा। थोड़ा आप लीव कर दीजिए ये वीक को, बाद में आप कर आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। और आप प्रामाणिकता हो तो कोई आपको ठग के चला नहीं जाए, वो खास ध्यान रखना है। तो आपके घर की नेगेटिविटी है उसको थोड़ा क्लीन करना है, तो रॉक सोल्ट से, नमक के पानी से आपको आपका घर क्लीन अप करना है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, मून शाइन आ रही है तो आपको क्या करना है, आपकी माता समा माँ रहती है या सास रहती है या तो आपकी जो कुल देवी रहती है, उनके कोई भी कार्य करने निकले तो पहले उनको प्रे करके फिर, या तो उसको दर्शन करके फिर निकले, तो काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और लकी कलर रहेगा येल्लो ग्रीन और रेड कलर और वाइट कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो ये वीक के लिए कर्क राशि क्या कहती है, कर्क राशियों के लिए ये वीक थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मध्यम रहेगा। और कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं कि कहीं पे कुछ अच्छा होने जा रहा है, कहीं से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। शायद आपको लगता है कि मैं कहीं बंधा हुआ हूँ, कहीं मुझे मेरी लक्ष्मी को बंधी हुई है, तो आपको ये लग रहा है वो सही बात है। तो आपको क्या करना है, अपने आप की नज़र उतारनी है। और आप क्या करने, अपने मोबाइल में अपना खुद का फोटो लेके कपूर और एक लौंग हाथ में लेके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गायत्री मंत्र बोलते हैं 7 टाइम, फिर वो कपूर और लौंग को वेस्ट दिशा में जला देना है, ताकि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी वेस्ट दिशा से आ रही है वो चली जाएगी। और आपको कोई ओल्ड लेडी आपके लाइफ में आएगी और जहाँ पर आप अटक रहे हो तो वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगी। लकी नंबर रहेगा आपका 9th नंबर, 6 नंबर, लकी कलर रहेगा रेड कलर येल्लो कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो ये वीक के लिए सिंह राशि क्या कहती है, सिंह राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। हम दो हमारे दो, कहीं शादी के योग भी हो रहे हैं, युवक युवती की शादी भी हो रही है, कहीं पे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, बच्चे के भी आने का आगमन हो रहा है, और राजा की तरह राज करने वाले हो। और कुछ जहाँ पे आप अटके हुए हैं बिजनेस में या तो कहीं पे भी, तो कोई आके आपको हेल्प करके चला जाएगा लाइफ के अंदर, वो पता भी नहीं चलेगा और आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर 4 नंबर। आपको क्या करना है, छोटी सी एक रेमेडी, सूर्य देव को पानी का अर्घ, जल का अर्घ चढ़ाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। गायत्री मंत्र के साथ आप अर्घ चढ़ाए सूर्य देव को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी परेशानी आ रही है तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा और कंटिन्यू करना है आपको। और हो सके तो गाय को लड्डू खिलाना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, कन्या राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है और थोड़ा नेगेटिव शाइन भी दिखा रहा है। तो हो सके तो
आप डिप्रेशन में भी लग रहे हैं तो थोड़ा क्या करना है, जो भी कार्य करने वाले हो, नया करने वाले, तो उसमें से बाहर निकल जाए। पहले तो आपके घर के वाइब्रेशन जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर डालिए। कहीं पे लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपके घर को रोक सोल्ट से नमक के पोछा लगा के फिर क्लीन कर देना है, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो आप रोक सोल्ट से बात ले लीजिए, या तो गौमूत्र का, जब आप स्नान करने जाते हो तभी गौमूत्र का लेके और बकेट में डाल दीजिए एक बूंद, तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और जैसे गंगा मैया है, सरस्वती माँ है, सब मैया को इकट्ठा करके फिर स्नान करना है, तो उससे भी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपको लगता है कि मैं काफ़ी बिजनेस अच्छा करूँगा, ये करूँगा, वहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको दो जन के एडवाइस लेके फिर आगे बढ़ना है तो उससे काफ़ी परेशानी हो जाएगी। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, नींद में से झाग जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपके सिराने के नीचे रात के सोने टाइम पे एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें फटकरी डालकर फिर रख देनी है, तो जाके आपके बॉडी में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी वो पानी के अंदर आ जाएगी, और वो फिर पानी आपको फ्लश आउट कर देना है, या तो बाहर पशु पक्षों में डाल देना है, ताकि आपकी पूरी बैड एनर्जी चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड कलर। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तुला राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है कि आप आपको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, आप खूब इतने काबिलियत हो कि जो भी कार्य करते हो उसमें आपको सक्सेसफुल मिल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अपने लिए खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हो और खुद कंफ्यूजन हो जाते हो, और आप फ्रेंड सर्कल को सबको पूछने को जाते हो, लेकिन आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, वो आपको उल्टे रास्ते पे लेके जाता है, वो आपका अच्छा नहीं सोच रहे हो। इसलिए खास ध्यान रखे, युवक और युवतियों के शादी के बारे में भी ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी कोई तीसरी व्यक्ति आए तो उसको दूर करना है, अपने आप हस्बैंड और वाइफ दो ही जन मिलकर परेशानी दूर करें तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप राजा की तरह आगे जाके भविष्य में आप राजा की तरह राज करने वाले हो, किंग की तरह, खाली आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव आपके शरीर के आसपास ना आए, रिलेटिव्स, फ्रेंडशिप जो भी है आपका अच्छा नहीं सोचे तो थोड़ा बी केयरफुल। लकी नंबर रहेगा आपका 7 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन और येलो कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, वृश्चिक राशियों के लिए ये वीक थोड़ा अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, थोड़ा मध्यम भी दिख रहा है, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच करना है आपको। फिर कभी कभी आपको लगता है कि सामने बहुत सारा गोल्ड पड़ा है मैं ले लूं, और आपको थोड़ा इच्छा प्रकट हो जाती है देख के, तो आपको थोड़ा सोच समझ के जो भी कार्य करें सोच समझ के करिए। हमको लगता है सामने गोल्ड पड़ा है, लेकिन गोल्ड नहीं, वो पीतल होता है जब पास में जाके देखते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखें युवक युवती की शादियों के लिए भी, तो उसमें ये भी लगता है जो भी आप बिजनेस जो भी करना चाहते हो नया कार्य कुछ भी शुरुआत न करें, सोच समझ कर आगे बढ़े, दो जन की एडवाइस लीजिए फिर आगे बढ़ना है, कहीं पे इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट भी ना करें तो अच्छा रहेगा। और आगे जाके फिर ये भी आपका अच्छा निकल गया तो आगे जाके आप राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो और अच्छा रहेगा। आपके लकी नंबर रहेगा 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर। अभी आ रही है धनुराशि, तो धनुराशि ये वीक के लिए क्या कहती है, धनुराशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पूरी दुनिया घूमने वाले, बहुत ही अच्छे स्टार आ रहे हैं आपके, और प्रामाणिकता भी हो कहीं पे, मनी के योग भी आ रहे हैं कहीं से आ रहा है, और आप अपने फ्यूचर और रिटायरमेंट के बारे में सोचिए तो रिटायरमेंट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे जाके आप आराम से खा पी के आपका सेविंग भी करने वाले हो, इतना अच्छा रहने वाला है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेड और येल्लो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मकर राशियों के लिए ये वीक पॉजिटिव है, थोड़ा आपके लाइफ में थोड़ा कुछ ऐसा लगेगा कि कहीं पे मुझे कोई मुझे छेड़छाड़ कर रहा है, या तो कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी के झगड़े में किसी के माहौल में आपको गिरना नहीं है, अपने आप चुपचाप निकल जाना है, आपको अपना काम करना है, किसी के झगड़े में झमेले में नहीं पड़ना है, खास ध्यान रखें। और कहीं पे संतान प्राप्ति हो रही है, कहीं पे अच्छे गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं, और आपकी जो पास्ट लाइफ थी स्ट्रगल लाइफ वो अभी ख़त्म होने को आ रही है, बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा होगा लाइफ में, कोई युवक या तो युवती भी शामिल होने वाले हैं और चार पीढ़ी आप देखने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और 13 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका वाइट कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर।
अभी आ रही है कुंभ राशि, तो ये वीक के लिए कुंभ राशि क्या कहती है। कुंभ राशियों के लिए थोड़ा पितृदोष दिखा रहा है, आप पीछे मुड़ के ना देखे, आप अपना कार्य को आगे जमा के रखिए, क्योंकि पीछे दे मुड़ कर देखना नहीं है, आगे देखेंगे तो और भी सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी आपको, बहुत ही प्रामाणिक। तो आपकी लाइफ में कोई युवती आके, आपको युवक है तो युवती और युवती है तो युवक आके आपको हेल्प करके जाएगा और आपकी लाइफ को एकदम आगे बढ़ाने वाले हैं। और कहीं पे छोटी मुसाफरी ट्रैवलिंग भी हो रही है, आपको पितृदोष हो रहा है तो आपको क्या करना है कि पीपल देव को 3 दिन जल चढ़ाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, और हो सके तो साउथ दिशा में भी आप एक सरसों का तेल का दिया करके, फिर वहाँ पे आप थोड़ा कुछ मंगलवार के दिन या तो सैटरडे को उड़द की दाल या तो गेहूँ रख सकते हो, और हो सके तो ब्राह्मण को सीधा भी दे दे तो सारे ग्रह उसमें आ जाते हैं, तो जो भी मुसीबत आने वाली है तो वो चली जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर और रेड कलर। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मीन राशियों के लिए ये वीक भी थोड़ा पितृदोष रेखा दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है मीन राशियों को। तो पितृदोष दिखा रहा है तो जैसे मैंने बताया कि जल का पीपल के पेड़ के जल जल लेके तांबे के लोटे में 3 प्रदक्षिणा करनी है, और हो सके तो पितरों को भोग लगाना है, मीठा मीठा जैसे मिठाई धरानी है, सरसों का तेल का दिया करना है और 3 प्रदक्षिणा करनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी नया कार्य करने जाते हो तो 2 जन की एडवाइस लेके फिर आगे बढ़िए तो उससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आप तो उल्टे लटके हुए। 6 महीने में कुछ गुड न्यूज आने वाले हैं और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो हेलो गुजरात की ओर से आप सबको ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, और मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। काम है तो ही मोबाइल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।